हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का दिन तो बहुत ही मतलब ख़राब होते होते मेरा बच गया। मतलब कल पता है मैंने कल जल्दी काम कर ली थी, सुबह 11 बजे तक मेरा कल जल्दी फाइनल हो गया था काम, और आज मैंने काम जल्दी नहीं किया। आज मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था, मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब लग रहा था, तो इसलिए फिर मैंने आराम से मतलब क्या बोलते हैं रेस्ट कर रही थी कि थोड़ा सा बॉडी को अच्छा लगे तो फिर काम करूँ। तो आज क्या हुआ, कुछ काम नहीं की थी तो आज 11:15 बजे ही, मतलब 11:15 भी नहीं हो रहा था, 10:30 बजे पानी चला गया। इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, अब पानी मेरे टाकी में पानी बिल्कुल नहीं, तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, और मुझे ऐसा लग रहा था आज पूरा दिन कैसे जाएगा। लेकिन अल्लाह का करम है, अभी आप लोग देख सकते हो 6 बजने वाला है, शाम के 6 बजे और पानी आ गया। मैं तो इतनी खुश हूँ ना कि क्या बोलूँ। और अभी देखो मेरी टाकी, देखो अभी आप लोग को दिख रही है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, मेरी टाकी का पानी अभी भर रहा है। ये पता है बिल्कुल पानी नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं, एकदम सपाट पानी था और कुछ भी मतलब। और इसमें भी देखो, इसमें भी पानी नहीं था पीने के लिए। देखो थोड़ा सा पानी है, बस थोड़ा सा इसमें पानी है और थोड़ा सा इसमें पानी है। इसमें इसलिए थोड़ा सा पानी है ना, क्योंकि मैंने पीने का बॉटल भर ली थी 3-4। और अभी दोपहर का देखो, बर्तन भी मैंने नहीं धुले हैं, वैसे पड़े हुए हैं, अभी बर्तन धुल लेती हूँ पानी आया है तो। अभी पानी चढ़ रहा है, और ये देखो मेरे पूरे बॉटल्स खाली पड़े हैं पीने का, सब इधर पड़ा हुआ है, उस पर साबुन लग गया इसलिए ऐसा दिख रहा है। और देखो वहाँ पे है, ये ख़राब हो रहा था ना, क्या बोलूँ दिमाग। लेकिन सच में अल्लाह का करम है कि पानी आ गया, क्योंकि हम लोगों को क्या बोलूँ, वॉशरूम जाने के लिए भी पानी नहीं था, इतना बुरा हाल हो गया था। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि ऊपर से मतलब हमारे जो ऊपर जो रेंट से रहते ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनसे जाके 1-2 बाल्टी लेकर आ जाती। और मैं अभी कसम से बता रही हूँ, अभी मैं जाने वाली भी थी, मैं ये थोड़ा सा फ्राई करी थी, क्या बोलते हैं आप लोग इसको, क्या बोलते हैं हम लोग के देश को, च्यूड़ी बोलते हैं, और पापड़ था, चावल का पापड़ था, और साबूदाने और आलू की कुड़ई थी, चकली था, तो मतलब अपनी बेटी को भी दी थी खाने के लिए, क्योंकि वो बोल रही थी कि मुझे भूख लगी है, तो उसको फ्राई करके दी थी तो खा रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी खा लेती फिर उसके बाद जाके पानी लेकर आती हूँ, क्योंकि वॉशरूम वगैरह के लिए थोड़ा 1-2 बाल्टी भी रहा तो चल जाएगा। अब पानी नहीं था फिर भी मैंने सारा काम करी है, देखो पीछे कपड़े धुल के डाली हो और पूरा मतलब टाकी खाली कर दी। पूरा टाकी नहीं खाली हुआ था, थोड़ा सा मतलब इतना सा पानी था, तो मुझे लगा वॉशरूम वगैरह के लिए हो जाएगा उतना, बट हुआ नहीं, क्योंकि बहुत कम था तो हुआ नहीं उतने में। तो अल्लाह का करम है, पानी कैसे कैसे आ गया, अच्छा हुआ पानी आ गया, वरना हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता, मुझे जाना पड़ता ऊपर से पानी ढो के लाना पड़ता। आप लोग को सीढ़ी दिखाती कितना ऊपर चढ़ना पड़ता, ये देखो इतना ऊपर मुझे चढ़ना पड़ता। अच्छा है अल्लाह का करम आ गया, नहीं तो ढोना पड़ता। अभी जल्दी जल्दी एक काम करती हूँ, पहले टाकी भरने देती हूँ, क्योंकि टाकी में पानी नहीं है, और पीने का भी भर लेती हूँ। और आप लोगों को मैंने वो बात नहीं बताया था ना कि मैंने अपनी बेटी का मतलब पैसे का इंतज़ाम कहाँ से किया था, बहुत मुश्किलों से मैंने इंतज़ाम किया है। और कैसे इंतज़ाम किया बताती हूँ आप लोग को, पहले एक काम करती हूँ पीने का पानी भर लेती हूँ और फिर आप लोग को आराम से बताती हूँ। फाइनली मेरा पानी भर के हो चुका है, मैंने सब भर लिया है, और 7 बजे मतलब हो चुका था 7। आप लोग को अभी टाकी दिखाती हूँ, अभी थोड़ा टेंशन ख़त्म हो गया है, पता है, नहीं तो इतना टेंशन हो रहा था ना कि कैसे क्या करूँगी क्या नहीं। ऊपर देखो फ्रेंड्स, पूरा टाकी भरी हुई है, ये देखो फ्रेंड्स, ये पूरी मतलब टाकी मेरी भर चुकी है। और जो एक्स्ट्रा पानी गिर रहा था नल से, तो मैंने क्या किया, मग लगा दिया, और उसके में जो भी पानी गिर रहा है डायरेक्ट बाल्टी में गिर रहा है। डायरेक्ट बाल्टी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि पानी है ना एकदम उधर था, तो इसलिए मुझे मग लगा के ये आइडिया यूज़ करना पड़ा। तो ये देखो भर चुका है, और इधर भी देख सकते हो ये पूरा मैंने पानी भर लिया है, बॉटल्स भी भर ली हैं, और बॉटल मैंने फ्रिज में डाल दिया है, किचन भी मैंने क्लीन कर ही लिया है। बस टाइम 7:30 होने वाला है, काम तो मैंने फाइनल कर लिया है, बस अभी रात का खाना बनाना पड़ेगा, मतलब बनाना ही है, रात का खाना बनाऊंगी, तो अभी थोड़ी देर से बनाऊंगी, 8 बजे से बनाना स्टार्ट करूंगी। तो उससे पहले सोचा आप लोगों को बता देती हूँ, बच्चे लोग खेल रहे हैं ना, उसके फ्रेंड लोग आए हैं घर में, तो ये उन लोग का चालू है, अनाभिया धीरे बोलो। तो पता है आप लोगों ने मेरा शायद 2-3 महीने पहले या 3-4 महीने पहले आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे, तो फिर आपने नोटिस किया होगा कि गले में मेरा एक चैन था, तो वो चैन अभी नहीं, बहुत दिनों से आपको नहीं देखने मिल रहा होगा, ये मंगलसूत्र और ये तावीज़ देखने मिल रहा होगा।
वो चैन कहाँ गया, इससे आप लोग समझ ही सकते हो कहाँ गया होगा। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ ने नहीं समझे तो बता देती। वो चैन मैंने पहले तो सोच रही थी कि बेच दूँ वो चैन, बट फिर मम्मी बोली कि बेचेगी तो एक तो इतने मुश्किल से वो चैन मैंने खरी थी, मेरी शादी का जो अंगूठी जो हमने इनको पहनाए थे ना वो, और कुछ पैसे मिला के हमने, नहीं दो अंगूठी इनको मेरी शादी पे ना इनको दो अंगूठी मिली थी। मतलब लड़के लोग वैसे भी सोने की अंगूठी पहनते नहीं है तो वैसे भी रखा रहता, तो दो अंगूठी थी उनकी और कुछ पैसे मिला, दो अंगूठी थी और पैसे मिला के वो कुछ उस टाइम बना था 25 या 26 हज़ार का वो अंगूठी मेरा बना था उस टाइम, आज से 3 साल पहले मेरी शादी को 5 साल हो गया, तो 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले मैंने वो अंगूठी बनवाई थी, सॉरी चैन बनवाई थी वो। तो उसको मम्मी बोली कि बेच मत, गिरवी रख दे, फिर जब तेरे पास पैसा आए तो दे के छुड़वा लेना। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ वो सही रहेगा, इतनी मुश्किल से चैन बनता है ऊपर से बेच दूँगी तो फिर, अभी तो आप लोगों को पता ही है सोना कितना महंगा होते जा रहा है, अब वैसे भी वो चैन या मंगलसूत्र ऐसे रखा हुआ ही था, चैन तो पहन रही थी मंगलसूत्र ऐसे ही रखा हुआ ही था, तो दोनों एक साथ नहीं पहन सकती। तो मैंने सोचा कि ठीक है रख देती हूँ, वैसे भी घर में रखा है या बैंक में रखा है, बैंक में मैंने रखा है आप लोगों को बता दूँ, जहाँ पर हम लोग लाइट बिल भरते हैं ना वहीं पर, मतलब गिरवी भी रखते हैं चीज़ें वगैरह, तो वहीं पर हमने गिरवी रखा है। तो मुझे कितना मिला था, 22 मिला है, 22 उससे चैन गिरवी रखी तो 22 मिला है। और जहाँ तक कि आप लोग सोचेंगे एक्स्ट्रा कितना पैसा जा रहा है, तो एक्स्ट्रा शायद से 2-3 हज़ार जा रहा है एक साल का, मतलब हमारे पास एक साल का टाइम है, एक साल के अंदर हमको अपना चैन छुड़वा लेना है, मतलब जितना जल्दी छुड़वाएंगे उतना इंटरेस्ट कम लगेगा, और ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर ज़्यादा लगेगा। वैसे एक साल के अंदर छुड़वा लिए, एक साल तक के मतलब मेरे जो रिलेटिव है, मेरी भाभी है, उन्होंने रखा था तो उन्होंने एक साल में छुड़वाया था, तो उन्होंने बोला था कि मेरा 2 से 3 हज़ार गया था, उससे ज़्यादा नहीं गया था। तो फिर हमने बोला ठीक है हम लोग सोचेंगे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छुड़वा लेंगे, तो इंटरेस्ट भी कम पड़ेगा और पैसा भी हमारा एक्स्ट्रा ज़्यादा जाएगा। तो हम लोग ने ये सोचा है, बस अपनी बेटी का हमने एडमिशन करवा दे, फिर उसके बाद उसके लिए हम लोग जमा करेंगे। अभी अल्लाह का शुक्र है हमारा, मतलब 2 महीने का भाड़ा भी था, हमने भाड़ा भी क्लियर कर दिया है। और बेटी का एडमिशन, पता है क्या प्रॉब्लम था, हम लोग या तो अपनी बेटी का एडमिशन करवा देते या तो भाड़ा देते, हम लोग का ये अभी इस सिचुएशन में हम लोग फंस गए थे, वरना हम लोग कभी, मतलब फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कुछ चीज़ें मतलब गिरवी रखा है, वरना कभी हम लोग ने आज तक के हमने ऐसा कभी नहीं किया, फर्स्ट टाइम ऐसा था, मतलब फंस गए थे हम लोग। जितना हो सके उतना किसी से नहीं मांगो तो ही सही है, बहुत मुश्किल हो तब मांगो तब बात अलग है, बट हमारे पे इतना मतलब ये नहीं था, मेरे पास चीज़ें थी आखिर रखी हुई थी तो क्यों किसी से मांगना है ना, तो इसीलिए हमने मतलब ये भी नहीं किया ना, अपने घर वालों को बोली अपने घर वालों को बोलती तो मुझे पता है कि मुझे मिल जाता, बट मुझे नहीं मिल जाता। मैंने इससे भी पहले कितनी दफ़ा मतलब कुछ होती छोटी छोटी चीज़ें करके मैंने लिया है, वो तो मेरी मम्मी पापा है तो इसलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, मैं मांग सकती हूँ, बट हमने नहीं मांगा। तो हमने, आप लोगों को पता ही चल गया कि मैंने अपना चैन गिरवी रखा है, मैं अभी अल्लाह का करम है कि हमने भाड़ा क्लियर कर दिया है, भाड़ा कितना 13 हज़ार हमने भाड़ा दिया है, और वहाँ से जो लिया था वो हमने फीस भर दिया अपनी बेटी का, 23,200 कुछ फीस भरा है हमने, कुछ नहीं 23,200 हमने फीस भरा है। और फिर उसके बाद जून तक के ये पैसा लिया है, मतलब डोनेशन समझो, ये डोनेशन इतना लिया है, और जुलाई से वो हर महीने, अनाबिया धीरे बोलो, और जुलाई से वो हर महीने 1100 लेंगे, मतलब टोटल 34,000 तक के चला जाता है। और बुक्स वगैरह का भी मुझे अलग से पे करना है, तो वो भी एक टेंशन है, चलो जान दो बेटी का एडमिशन हो गया ना, बस वही शुक्र है। नहीं तो पता है मैं रात भर सो नहीं पा रही थी, मुझे इतना मतलब तकलीफ़ हो रहा था ना कि मतलब बेचैनी सा मेरे को ऐसा रहता था कि कब मेरी बेटी का एडमिशन होगा। उसके फ्रेंड्स लोग कह रहे हैं ना कि हो गया था मेरी बेटी का, नहीं हुआ था एडमिशन, तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था। पैसों की भी दिक्कत हो गई थी ना कि कैसे क्या इंतज़ाम करेंगे, तो पहले से इनको बोल रही थी कि यही गिरवी रख देते हैं, बट ये सुन ही नहीं रहते, बोल रहे थे कि कोशिश करते कहीं तो ये हो जाए, बस नहीं हुआ तो हमने कर लिया। हम पे दो भारी पड़ गया ना, एक तो भाड़ा भी देना था और बस ये भी करना था, और रमज़ान में भी खर्चा अच्छा खासा हुआ है तो इसलिए ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, वरना कभी ऐसा नहीं होता हम लोगों के साथ, ये सब पहली बार हमने किया है।
तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा। ऐसे भी किसी ने मुझसे पूछा नहीं था, बट मैंने आप लोगों को बोला था कि बताऊंगी कहाँ से पैसे का इंतज़ाम हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उसको निकाल लें। अभी टेंशन फ्री है, हर चीज़ से फ्री है, बस वही चैन निकल जाएगा तो फिर मतलब टेंशन ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। तो बस यही बात थी। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा आंसर तो मिल ही गया होगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।